हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम साहब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज़। साथ ही यहाँ पर डायरेक्टर की भी वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। और वैसे तो इस साल एक और वैकेंसी आई हुई थी, आपको याद होगा, अभी हमने पिछले महीने अक्टूबर या सितंबर में यहाँ से वैकेंसी आई थी रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की, जिसमें करीब 140 से ज़्यादा वैकेंसीज़ थी। आज की जो वैकेंसीज़ है दोस्तों, इसमें भी लगभग 130 के आसपास वैकेंसीज़ हैं सब मिला करके, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ हैं। आपको एप्लीकेशन प्रोसेस हम बताएंगे कि कैसे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करना होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एप्लीकेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 17 तारीख से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, जो कि चलेगा दिसंबर तक। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कैसे करना होगा, किन किन सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको ये वैकेंसी बहुत पसंद आएगी क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से वैकेंसी है। और जो भी लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, करीब 8 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। अभी फिलहाल आपके सामने जो वैकेंसी शो हो रही है, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और बाकी डिटेल आपको इसको हम दिखाते हैं आपको। टॉप पर ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन की डेट आप देख सकते हैं, 10 तारीख को ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है, एकदम लेटेस्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे अंतिम तिथि जो है वो है 7 दिसंबर 2023। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, किसी भी तरीके का कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं करना है एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 17 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। अब जो ये वैकेंसी है दोस्तों, वो किस लिए है, पहले इसको चेक कर लीजिए। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित होने वाले 100 वित्त पोषित पाठ्यक्रमों में रिक्त सहायक आचार्य संविदा, सहायक सह आचार्य संविदा और आचार्य संविदा एवं निदेशक संविदा के पदों पर नियुक्ति चयन हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि दोस्तों, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है, आप किसी भी राज्य से हो, आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर वैकेंसीज हैं किन के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में कुछ डिपार्टमेंट में जो है सेल्फ फाइनेंस में कोर्सेज चलते हैं, वहाँ पर इन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में सिलेक्शन मिलना ही बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाता है, भले ही वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या जो भी हो, तो आपको आगे चलकर यहाँ पर बेनिफिट रहता है, क्योंकि आगे चलकर अगर कोई परमानेंट वैकेंसी आती है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। हर यूनिवर्सिटी ये करती है कि वो अपने ही कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को प्रेफरेंस ज़्यादा देती है, जैसा कि आप देखे होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी यही होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, वहाँ पर मोस्टली जो कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी होती है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, फिर बाद में बचे हुए लोगों को वहाँ पर लिया जाता है। उसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में भी ये वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये अब देखिए यहाँ पर नीचे वैकेंसीज शो की गई हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो वैकेंसी है, ये है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6 तरह की वैकेंसीज़ हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, जिसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं। आप देख सकते हैं सबका कोड भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो कोड को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर यही कोड ही शो होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी साइंस में है, ये एक वैकेंसी यूआर में है, एक एससी में है, इस तरह से आप जो है चेक करते जाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आर्ट्स आ गया है, आर्ट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं होम साइंस में, ओबीसी में 2 वैकेंसीज हैं, देन पब्लिक हेल्थ में आप देखेंगे 1 वैकेंसी है, फिर पब्लिक हेल्थ में यहाँ पे देखेंगे यूआर में 1 वैकेंसी है, इसी तरह से साइंस में आप देखेंगे जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान में आप देखेंगे, ये सभी वैकेंसीज में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की दिखा रहा हूँ। तो एक एक वैकेंसी यहाँ पर भी है अलग अलग कैटेगरी वाइज, टूरिज्म स्टडीज़ है, जर्नलिज्म है, देन यहाँ पर आप देखेंगे साइंस है, कॉमर्स है, योगा एंड नेचुरोपैथी है आर्ट्स में, फिर आपको भूगोल में भी आपको वैकेंसी मिल जाएगी, क्योंकि भूगोल में भी यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस में ही क्लासेस चलती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एससी कैटेगरी में एक वैकेंसी है, और यहाँ पर शायद ये सेकेंड लास्ट कॉलम जो है वो आपका है एसटी कैटेगरी का, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फिर फार्माकोग्नोसी यहाँ पर वैकेंसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में वैकेंसी है, फार्मास्यूटिक्स में है, एंथ्रोपोलॉजी में भी वैकेंसीज हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी आपको मिल जाएंगी, योगा में भी है। इसके बाद आप देखेंगे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इसके बाद आप देखेंगे आर्ट्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स में बी कॉम में है, देन इसके बाद आप आ जाएंगे लॉ में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज हैं, और इसके बाद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आप आ जाएंगे अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में भी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज हैं। फिर आप आ जाइए देखिए आर्ट्स में फिर वैकेंसीज आ गई, यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की अलग अलग वैकेंसीज हैं,
इसके बाद आप देखेंगे सोशल वर्क एंड जेसीए। तो यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज आप देखते चलेंगे, ये सभी वैकेंसीज अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की ही चल रही हैं। इसके बाद आप देखेंगे कॉमर्स में यहाँ पे एमबीए, फाइनेंस अकाउंटिंग एमबीए, ये देखिए सब वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की 84 वैकेंसीज हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, ये भी वैकेंसीज कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में वैकेंसी मिल जाएंगी, योगा एंड नेचुरोपैथी में है। इसके बाद आप आ जाएंगे कॉमर्स में है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में फिर से वैकेंसीज हैं। इसके बाद आप आएंगे मोस्टली यहाँ पर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका सेल्फ फाइनेंस के अंडर में ये डिपार्टमेंट्स रन होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 29 वैकेंसीज हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद आप देखेंगे प्रोफेसर के लिए कौन कौन सी वैकेंसी हैं, यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ दी जो वैकेंसीज हैं वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी के अंडर में ही आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगी जैसे कि कॉमर्स यहाँ पर आपको मिल रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में, यहाँ पर ओबीसी में 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर आपको कॉमर्स में भी एक और मिल जाएगी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, यहाँ पर ये डायरेक्टर की वैकेंसी है। तो डायरेक्टर की सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर प्रोफेसर की टोटल 13 वैकेंसीज हैं दोस्तों। और अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है। एप्लीकेशन फीस जो है वो है 1500 रुपये, ठीक है, 1500 रुपये फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। बाकी लोगों के लिए यानी कि एससी एसटी के लिए 1200 रुपये फीस लगेगी, चाहे वो फीमेल्स हों चाहे मेल्स हों, उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1500 रुपये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और 1200 रुपये एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, और यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को मैंशन भी किया हुआ है नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन फॉर द अबव पोस्ट विल बी एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 AICTE एंड PACI एज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, एंड सैलरी जो आपकी रहेगी वो एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगी, जो कि आपको यूनिवर्सिटी से ही पता चलेगी, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन आप एक बार जरूर से रीड कर लें कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर जिन लोगों ने पहले अगर एप्लीकेशन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट्स हु हैड अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर R/6/21SF, तो इसमें जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया था 29/7/2021 और R/2/2022SF डेटेड 2/5/2022, तो इन लोगों ने अगर एप्लीकेशन किया था और उनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन लोगों को दोबारा एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ वो अपने डॉक्यूमेंट्स में या डिटेल्स में अपडेट कर सकते हैं पोर्टल पर जा करके, ठीक है। तो ये हो गया पूरा डिटेल। अब हम आपको लेके चलते हैं कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की वेबसाइट पे विजिट करना होगा। यहाँ पर जब आप करियर वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है रिक्रूटमेंट पोर्टल, तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही अपडेट होगा आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर भी शो होने लग जाएगा, जो एडवर्टीजमेंट नंबर इसका है फॉर्म का, ये आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर जो है इसका ये है R/2/2023/SF। तो यहाँ पर SF की जब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट शो होने लगेगा इसका मतलब है कि फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे रेड वाला जो ये ब्लिंक हो रहा है कंडीशंस का, इस पर आपको चेक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। अब इसके लिए दोस्तों हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से, उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे इसमें आपको एप्लीकेशन करना होता है। उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, पूरी एक एक डिटेल मैंने उसमें आपको बताई है स्टार्टिंग टू लेकर एंड तक। तो पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको जाकर के आप देखें। और जिन लोगों ने पिछले रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन किया था यानी कि जो रेगुलर वैकेंसीज आई थी, उसके लिए यहां पर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको रिजल्ट्स एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पर लगातार एग्जाम चल रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड स्कोर्स जो हैं वो रिलीज किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड स्कोर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो यहां पर आप देखेंगे जो आपके मार्क्स हैं सब कुछ मिला करके, आपके जो टेस्ट के और जो भी आपका सब मिला करके है, टोटल यहां पर देखिए इन्होंने स्कोर निकाला हुआ है। तो रिटन टेस्ट के मार्क्स देखिए आप यहां पर देख सकते हैं,
ये देखिए मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, रिटन टेक्स्ट मार्क्स टेस्ट मार्क यहाँ पे 30 नंबर 26 नंबर है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर मुझे पता चला है कि यहाँ पे 40 मार्क्स का पेपर होता है और 40 मार्क्स में आपका जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन मोस्टली वही पूछे जाते हैं। तो 40 में से आपके मार्क्स यहाँ पर आए हैं वो, और एपीआई स्कोर को जोड़ करके टोटल मार्क्स यहाँ पर इन्होंने इंटीग्रेटेड स्कोर है उसको यहाँ पर रिलीज किया हुआ है, और लगातार हर सब्जेक्ट का यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप टोटल यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं, और ये इसके लिए मुझे लगता है अभी इंटरव्यू भी होगा। अब इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, क्या होगा, वो सब आपको इसी नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाकर के यहाँ पर अपडेट रहना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट रिजल्ट्स एंड नोटिफिकेशंस में, ठीक है। तो बाकी का जो प्रोसेस होगा हम आपको आगे बताएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं, बाकी जानकारी के लिए आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब या फिर टेलीग्राम के माध्यम से। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली वैकेंसी या फिर पीएचडी एडमिशन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।